हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को में तय हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन है वो आया है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन है वो कॉन्टैक्ट फैकल्टी पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको यह बता दूँ, यहाँ पे जो फैकल्टी पोजीशन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या टेम्परेरी, यहाँ पे कोई भी परमानेंट वैकेंसी वैकेंसीज को नहीं निकाला गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ दे रखा है, डे डे नोटिफिकेशन देख रखा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिलेगा। और जिसका नोटिफिकेशन डेट वो 9 जनवरी है और जो एंड डेट है वो 23 जनवरी शाम 5 PM तक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जो की डेट्स थी मैंने वो आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट। तो पेपर एडवर्टाइजमेंट जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश इंडिया, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड है फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी पोजिशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना बायोडाटा लेना है और बायोडाटा में आपके जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या नेट गेट जो भी आपने क्वालिफाई किया है, तो उस सब का जो है आपको सेंड कर देना है बिफोर 5 PM 23 जनवरी को। तो ये सब जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि अगर आपके पास CV अपडेटेड CV मतलब, और आपके पास जितने भी टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सब जो है आपको सेंड कर देना है ऑफिस ऑफ चांसलर ऑन और बिफोर 5 PM बिफोर 23 जनवरी। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में कि आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फैकल्टी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 कैंपस है इन कैंपस के लिए जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और देखिए जो लेक्चरर का रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और यहाँ पे योगा और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी इंस्ट्रक्टर की पोजिशन को निकाला गया है। अब लेक्चरर में अगर देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, यहाँ पे 2 ईयर का पहले आपका प्रोग्राम रहेगा एंड 2 ईयर्स तक आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखा जाएगा। वहीं अगर आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो यहाँ पे फॉर 4 ईयर बीटेक बोल रहा, तो यहाँ पे आपको 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक प्रोग्राम का जो भी आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए, अगर आपका बीटेक जो इंजीनियरिंग में जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, वहीं साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैनेजमेंट में होना चाहिए। अगर हम बात करें पीएड और कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये प्योरली टेम्परेरी है और जो कंसोलिडेटेड सैलरी आपको दी जाएगी विदाउट एनी अलाउंस, यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी, यहाँ पे आपको HRA TA DA कुछ नहीं दिया जाएगा। और ये जो है विल बी ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर, यानी कि मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप बीटेक के लिए पढ़ाने को है आपको तो आपको 4 ईयर का रहेगा, वहीं अगर आप जो है लेक्चरर के लिए कर रहे हैं तो 2 ईयर का रहेगा आपको यहाँ पे लाइक कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से देख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखें तो अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका MA MSc या MCOM होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और मिनिमम 50% मार्क्स जो है PG डिग्री में होने चाहिए। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपका MTech MSc विद नेट स्लेट सेट या PhD होना चाहिए, और जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो एज पर RGUKT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे पेमेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rgukt.in पर जा सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे अप्लाई करने के बाद अपने टेस्टिमोनियल्स के साथ जो है आप सेंड कर सकते हैं बाई मेल recruitments@rgukt.in, और जो हार्ड कॉपी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड रिपोर्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के साथ जो है आपको भेज देना है ऑफिस ऑफ द चांसलर RGUKT न्यूजविट कैंपस न्यूजविट कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश 521202 बिफोर 23 जनवरी। यहाँ पे जो लास्ट डेट वो 23 जनवरी यहाँ पे रखी गई है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपका डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो फॉर्मेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म का आप देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है या इसे फिलअप करना है, और यहाँ पे आपको अपनी फोटो भी अटैच करनी है, और आपको जो है अपने अदर टेस्टिमोनियल्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल के साथ आपको सेंड कर देना है उसके एड्रेस पे। तो चलिए हम देख लें दूसरा नोटिफिकेशन जो कि आया है गार्गी कॉलेज न्यू दिल्ली से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वैकेंट इंटरव्यू असिस्टेंट गेस्ट फैकल्टी के लिए, यहाँ पे आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस बॉटनी फिलोसफी हिस्ट्री हिंदी के लिए जो यहाँ पे जो है गेस्ट फैकल्टी को
की पोजीशन को निकाला गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए जो डेट और टाइम है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15 जनवरी 12 नून पे आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो भी 1 यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के सामने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका जो है एज पर UGC और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना जो रेज्यूमे में वो ले जाना है, उसका कॉपी और अलॉन्ग विद योर ऑल सेल्फ अटेस्टेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ले जाना है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है वेरीफिकेशन के लिए, अगर आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि आपको कोई भी TA DA यहाँ पे कोई पेड नहीं होगा अलाउ एट फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको अपना पैसा खुद करके खर्च करके जो है इंटरव्यू देने के लिए जाना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैंने आपको इस बात शेयर की हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।